वेल मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है वाइट एंड गोल्ड. मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि वाइट पहनूँ, पता नहीं क्यों. आई थिंक इट्स माई फेवरेट कलर. सो दैट्स इट. धनतेरस के दिन आपने झुमका डाला था, इज इट दैट? नो. तो क्या कहेंगे इस मतलब इस अटायर के बारे में? द ज्वेलरी इज बाय नेहा लुला. सो दे आर माय न्यू फैसिनेटिंग गोल्ड इयररिंग्स. दैट्स ऑल. ओके, कितना एक्साइटमेंट है अंदर जाकर? बहुत ज्यादा. सबकी परफॉर्मेंसेस देखना चाहती हूं और आई थिंक आई एम ऑलरेडी अ लिटिल लेट, सो आई एम जस्ट गोना रश. ओके फाइन, थैंक यू. तो ये जानना चाहेंगे कुछ खास आज मतलब देखना इधर ब्लैक मिड देख लीजिए अच्छा रहेगा. ब्लैक वाइट हमने छिपा के रखा हुआ है. बेसिकली ऊपर से ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर अंदर ब्लैक ही है. नहीं बिल्कुल, ही इज राइट. कुछ अमीरी आपने दिख रही इनमें तो नहीं है, कहीं से आप उठा के ये करके लाए किसी? देखो नौकर आदमी को कहीं से मिल जाए कपड़ा इतना ही बहुत होता है. हाँ, और देख लो कोट पैंट पहन के भी डालो ना, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी भी. ऐसे लगते मांगे हुए हैं. जान बची बची सी लग रही है शर्मा जी, आस पास नहीं है. हाँ, तभी इतना खुल के बोल रहा हूँ ना, नहीं तो वो बोलने नहीं देते. आप हर जगह अपने कैरेक्टर के अनुसार ही नजर आ रहे हैं. नहीं नहीं, मैंने अपन ना गमछा लिया हुआ मैंने. क्या बात कर रहे हो? लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से कॉमेडी नाइट से ही इंप्लीमेंट कर रहा है. हाँ वो तो है, वो तो है. अब नौकर नौकर रहेगा, कपड़े चाहे मालिक के पहने. ज्यादा पता है मैं नौकर हूँ और ये तो टाटा बिरला का बेटा है ना. यस यस. सेकंडली अवार्ड्स जो होते हैं उसमें जूरी जैसे किस पैरामीटर्स पे अवार्ड दिए जाते हैं? टैलेंट सिंपली. सो उनके जो रोल्स होते हैं उनमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी होती है, पैरामीटर वही होता है. आई थिंक सो. सुना था बेबी डॉल में सोने दी, तो आई थिंक वो गाना आपके बहुत ज्यादा जचेगा. हाँ, बस मैं भी यही सोच के आज तैयार हो के आई हूँ कि मुझे बस बेबी डॉल लगना है. कुछ खास गोल्डन एंड व्हाइट एंड बॉबी गर्ल? जी, सो द थीम इज बेबी डॉल टुडे फॉर मी. सो आई हैव बिकम गोल्ड एंड व्हाइट. इट्स अ वेरी क्यूट ड्रेस विद सम फ्रिल्स इन इट एंड हेयर स्टाइल एंड मेकअप भी वैसे ही किया हमने बेबी डॉल जैसा. प्यार के सारे दर्द खत्म हो गए तो आप कुछ परफॉर्म वर्फॉर्म करने वाली है? प्यार में दर्द कभी भी नहीं था यार, वो तो सीरियल का नाम था ऐसा. बट जी, आज हमारा लास्ट एपिसोड आई मीन फर्स्ट नवंबर को टेलीकास्ट होने वाला है. सो सेम डे आई से दुख ना मनाते हुए मैं खुशी मनाऊँ, परफॉर्म करूँ. सर परफॉर्मिंग नाइट एंड येलो टू. हाँ येलो ऑल्सो. या एक्चुअली मैंने ये कलर इसलिए चूज़ किया बिकॉज ब्लैक इज़ द सेफेस्ट कलर और ब्लैक सबको पसंद होता है और सब लोग दरअसल ब्लैक ही पहनते हैं. तो मेरे सोचा वाई नॉट चेंज दैट कोड एंड ट्राई टू ड्रेस अप समथिंग एल्स. अब मुझे नेहा पकड़े मारेगी बिकॉज उसने ब्लैक पहना हुआ है. हाँ बट इसलिए उसने ब्लैक पहना था तो मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट पहनू, तो इसलिए मैंने ब्लू पहना है. बट ब्लैक इज ऑल्सो देयर व्हिच इज काइंड ऑफ सेफ, सो आई एम लिटिल सेफ हियर. ओके, कितनी प्रीटी लग रही है नेहा आज? नेहा बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे हमेशा से बहुत प्रिटी लगती है और उसमें मुझे बहुत पोटेंशियल भी नज़र आता है. लेकिन मैडम टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती, ये समझती है कि ये सिर्फ फिल्म ही करेगी और ये सिर्फ एंकरिंग वगैरह करती है. हाँ अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली मतलब तारीफ करते करते मैं बुराई पे चला जाता हूँ. सो आई थिंक या अगेन बैक टू तारीफ. या सो शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी. ब्लैक सूट्स आर अ लॉट एंड द ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन, यू आर लुकिंग लाइक अ कंप्लीट डेविल. आई मीन ब्यूटिफुल डेविल. बेस्ट प्रॉमिसिंग शायद में मुझे अवार्ड मिला है. पिछली बार आईटा अवार्ड में नहीं मिल पाया था. पिछली बार मुझे ये अवार्ड नहीं मिल पाया था, मैं दो कैटेगरी में नॉमिनेट था. लेकिन इस बार बेस्ट प्रॉमिसिंग चाइल्ड में मैं नॉमिनेट था और मुझे अवार्ड भी मिला. सो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स इस बारे में. आज रेड कारपेट पे चल रही हैं आप और बस प्यार बरसा दो, प्यार बरसा दो, बस मोहब्बत बरसाते रहेंगे हम आपको इसी तरीके से. कुछ खास आज इस अटायर के लिए? मुझे धीर भाई जैसा नहीं दिखना था आज, इतनी सारी ज्वेलरी में जो मैं लदी रहती हूँ. आज थोड़ा सिंपल रखना था एंड यस सो द गाउन. कुछ परफॉर्म करने वाली हैं या चेयर अप करने वाली हैं? जी नहीं, मैं नॉमिनेटेड हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी पिछले साल की तरह अवार्ड मेरा हो. बिल्कुल सही. दो चीज़ हमें पूछनी थी आपसे, एक तो क्रिकेट और टीवी जुड़ चुका है, सचिन तेंदुलकर भी अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? टीवी एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे आप देखते जाएंगे कि हर सीढ़ी पर एक नई चीज़ जुड़ती जाएगी, चाहे वो शख्सियत हो, चाहे वो किसी किस्म का
कोई खेल हो या कुछ भी हो, इट हैज टू कम टू टीवी, दैट्स द लार्जेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल। ओके, पर तो काफ़ी प्रिटी लग रही है, क्या क्या तैयारी की है आप? बिल्कुल तैयारियां नहीं की है मैंने, बिकॉज शूट से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आए, हमारे पास टाइम ही नहीं था। इट्स वन ऑफ दोज डेज व्हेन यू विश यू कुड गेट रेडी एंड यू जस्ट डोंट हैव द टाइम। बहुत 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 अच्छा लगा कि ये IT अवार्ड्स में आकर हमारे शो को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। ये आप सब व्यूअर्स की वजह से हमको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड आवर शो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत ही पॉपुलर हो गया है। हमारा शो बहुत ही अलग है, यूजुअल शो नहीं है और इतना पॉपुलर हुआ है बिकॉज आप लोग की वजह से। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिलीप जोशी है, मैं जेठालाल का किरदार निभाता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और मुझे ये जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला है, और पिछले 6 साल से हमारी सीरियल सब TV पे आ रही है, और पिछले 6 साल में इस रोल के लिए मैं 2 बार नॉमिनेट हुआ हूँ ITA में, और दोनों बार नहीं, हर बार नॉमिनेट हुआ हूँ लेकिन अवार्ड 2 बार मिला है, तो मुझे लगता है शायद 6 साल में से 2 साल मैंने अच्छी एक्टिंग की और मैं जूरी और लोगों को मैं पसंद आया और उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना।